पूरे यूपी से लगातार पिछले दो जुमों की नमाज के बाद हिंसा और बवाल की घटनाएं सामने आ रही थी। इसी क्रम में एक बार फिर कल 17 जून को जुमे की नमाज से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बता दें कि यूपी के एडीजी एलओ लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रशांत कुमार, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज समेत जो भी बड़े शहर हैं उन सभी में ऐसी सभी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर जुमे की नमाज के बाद बवाल हो सकता है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है वहां पर बढ़ा दी गई है और लगातार ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। एडीजीएलओ ने साफ किया है कि लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जाए कि इस तरह की घटनाओं को करने का कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और प्रतिबद्ध है कि ऐसी किसी भी घटना को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। कल के नमाज की व्यवस्था के लिए व्यापक जनसंपर्क धर्मगुरुओं से किया गया है और सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि बरेली में भी जो एक प्रदर्शन प्रस्तावित था उसकी तिथि भी बातचीत के बाद से आगे की गई है। वर्तमान में सभी धर्मगुरुओं के साथ, सभी सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, सभी पीस कमेटी के मेंबर के साथ तथा जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनके साथ लगातार हम लोगों की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग चौक इंचार्ज, थानाध्यक्ष, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी तथा जिला स्तर पे कराई गई है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।